रिसेंटली मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी कॉलेज में जाके मॉक GDPI देने की। थोड़ा बैकग्राउंड दे देती हूँ कि ये MBA बैच के लिए था एंड इससे पता चल सके बच्चों को कि जो प्लेसमेंट है उसके टाइम पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड जो इंडस्ट्री है उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है। एंड बच्चों के आंसर सुन के लिटरली मैं शॉक होती। एक बच्चे ने अपनी CV में डाल रखा था कि उसने डेटा एनालिसिस की है। सो ऑब्वियसली मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि डेटा एनालिसिस के लिए क्या यूज़ किया है एंड उसने मुझे कहा कि एक्सेल का यहाँ पर यूज़ किया गया। तो मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि आपने पिवट्स में काम किया होगा, HLOOKUP, VLOOKUP लगाया होगा। एंड टू माई सरप्राइज वो जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनके भी आंसर नहीं दे पा रहा था। एंड बाद में उसने मुझे बोला कि उसने जो है सिंपल कॉपी पेस्ट जो है वो किया था एक्सेल में एंड रिज्यूमे में इसको ऐसे लिख दिया था कि जैसे कि उसने लिटरल साइंस में डेटा एनालिसिस की। वही एक बंदी ने एनर्जी सेक्टर में इंटर्नशिप की थी। जब मैंने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे तो वो ये भी नहीं बता पा रही थी एंड कुछ बच्चे तो जो बेसिक कैलकुलेशन है वो तक भी नहीं कर पा रहे थे। ऐसा नहीं है कि जब जॉब इंटरव्यूज होते हैं तो उसमें कुछ रॉकेट साइंस पूछी जाती है। आप जो भी रिज्यूमे में लिखोगे उसी से रिलेटेड मैक्सिमम जो इंटरव्यूअर्स हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में मेरे लिए एक बात साफ थी कि बच्चों ने बढ़ा चढ़ा के चीजें लिख रखी थी एंड कुछ चीजें तो ये बेसिक एक्सपेक्टेशन होती है कि जब आप जॉब मार्केट में उतर रहे हो तो आपको वो चीजें पता होंगी, लेकिन बच्चों को वो तक नहीं पता थी। तो यहाँ पर 3 मेजर प्रॉब्लम्स जो है वो देखने में मिल रही थी। पहला था कि बच्चों ने जो भी अपना रिज्यूमे और CV में डाल रखा था वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। पहली चीज आपने गलत डाला और उसके बाद जो क्वेश्चंस भी हैं आप उनके भी आंसर नहीं दे पा रहे। दूसरी चीज थी कि जो बेसिक कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस हैं उनके भी आंसर नहीं दे पा रहे थे बच्चे। एंड जो तीसरी चीज थी वो लगी कि लैक ऑफ रेडीनेस थी। जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप बहुत सारी चीजें प्रिपेयर करते हो कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप उनका कैसे रिस्पॉन्स करोगे, लेकिन वो जो लैक ऑफ रेडीनेस थी वो यहाँ पर देखने मिल रही थी। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है और अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 30% तक है एंड ये सिचुएशन इतनी ज्यादा बुरी है कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। आप खुद ही इन वीडियोज को देखिए। तो बेसिकली एयर इंडिया ने यहाँ पर लोडर्स के लिए 600 पोजीशंस निकाली थी जिसके लिए वॉक इन किया गया था एंड 25,000 लोगों ने आवेदन कर लिया। एंड आप नतीजा तो देख ही सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ और मारामारी हो गई है यहाँ पर। और ये अकेली समस्या नहीं है। एक और न्यूज भी आई थी कि गुजरात में 10 जो वैकेंसीज है उनके लिए 100 से ज्यादा जो लोग हैं वो टर्न अप हो गए थे। तो यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि जॉब मार्केट का सिनेरियो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एंड बहुत सारे चैलेंजेस का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और अगर हम कंट्री लेवल पे बात करें तो भारत के सामने 2 बड़ी चुनौतियाँ हैं। पहला ये है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। हर साल करोड़ लोग जो है वो जॉब मार्केट में एंटर करते हैं, लेकिन उस स्पीड से हम जॉब्स को क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इवन जो जॉब्स आ भी रही हैं उनके लिए हमारा यूथ प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा था कि एक न्यूज़ भी आई थी कि कंपनीज का कहना है कि उनको करेक्ट स्किल सेट जो है वो मिल नहीं रहा है। एक तरफ हम कहते हैं कि जो यंग पॉपुलेशन है हमारी वो हमारा सबसे बड़ा असेट है एंड दूसरी तरफ हम इसी असेट को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू CMIE जो एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, मई 2024 में इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% था जो जून में 9.2% पहुँच गया। दैट मीन्स कि सिर्फ एक महीने में जो ये रेट है वो 2.2% से बढ़ गया। वहीं दूसरी ओर कंपनीज का कहना है कि उन्हें स्किल्ड वर्कफोर्स ही नहीं मिल रही। उनके पास पोजीशंस ओपन है लेकिन वो इसे फिल नहीं कर पा रहे। कितनी बड़ी आयरनी है कि लोगों को जॉब नहीं मिल रही, कंपनीज को स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं मिल रही एंड दूसरी तरफ गवर्नमेंट का कहना है कि उन्होंने पिछले डिकेड में 125 मिलियन जॉब्स को क्रिएट किया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं एक मिसमैच हो रहा है एंड इतनी सारी जॉब क्रिएट करने के बाद भी आज भी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। एंड इसका आंसर भी सिंपल है कि हर साल 1 करोड़ लोग जो है वो जॉब मार्केट में एंटर कर रहे हैं, लेकिन जो जॉब की ओपनिंग्स हैं वो बहुत ही स्लो हो रही है। एंड सच कहूँ तो इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन का इस टाइम पे तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आने वाले टाइम में जितने भी लोग वर्कफोर्स में एंटर करने वाले हैं वो ऑलरेडी तय हो चुका है। आज वो पढ़ाई कर रहे हैं, आने वाले टाइम में वर्कफोर्स में एंटर होंगे। लेकिन जो दूसरी प्रॉब्लम है उसे हम सॉल्व कर सकते हैं एंड वो है स्किल मिसमैच की। एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला है शॉर्ट टर्म एंड दूसरा है लॉन्ग टर्म। तो जो पहला तरीका है उसमें हम उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो नेक्स्ट 5 to 6 years में जॉब मार्केट में एंटर हो, तो ये कर पाए। एंड जब मैं यहाँ पर इंटर्नशिप का बोल रही हूँ तो मैं वो फेक इंटर्नशिप की बात नहीं कर रही हूँ। एग्जैक्टली में उन्हें पता चलना चाहिए कि किस तरह की स्किल्स की डिमांड है एंड एक प्रॉपर मैकेनिज्म जो है वो हमें डालना होगा जिससे कि बच्चों को समझ में आए एंड उनके जो स्किल्स हैं वो डेवलप कर पाए। सी हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा लूपहोल है। आज भी जो फोकस है वो बुकिश इन्फॉर्मेशन पे ज्यादा होता है ना कि प्रैक्टिकलिटी पे, एंड उसका नतीजा ये होता है कि आज भी जो 80% इंजीनियर्स हैं जो पास करते हैं वो जॉब के लिए फिट नहीं होते। सो ये जनरेशन डिग्री लेकर तो निकल रही है लेकिन वो जॉब के लिए अभी भी रेडी नहीं है। और ये बात सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स तक ही लिमिटेड नहीं है। 2019 में NSDC की एक रिपोर्ट के मुताबिक 50 लाख ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स ने एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट दिया था, जिनमें से जो 50% से ज्यादा यूथ था उसके पास रेलेवेंट स्किल सेट ही मौजूद नहीं था जॉब करने के लिए। तो अगर आप जॉब मार्केट की डिमांड के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में चैलेंजेस का सामना करना ही पड़ेगा। एंड आई नो कि 2024 का जो बजट आया है उसमें यूथ को इंटर्नशिप देने की भी बात की गई है, लेकिन आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड कि क्या जैसे अभी तक इंटर्नशिप चल रही है कि लोगों को प्रॉपरली पता ही नहीं है ये इंटर्नशिप भी वैसे ही होगी, या इसके लिए कोई एक प्रॉपर सिस्टम जो है वो प्लेस में होगा जिसके बेसिस पे चुना जाएगा कि एग्जैक्टली क्या स्किल सेट है हम डेवलप कर सकते हैं। दूसरा सोल्यूशन है लॉन्ग टर्म। अभी भी जो स्कूल में एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही डिफरेंट है। जैसे हम पढ़ा करते थे अपने बचपन में आज भी उसी तरह से पढ़ाया जा रहा है, जबकि आप बाकी कंट्रीज देखें तो वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। एंड जब मैं यहाँ पर एक्टिविटी की बात कर रही हूँ, जो हमारे स्कूल्स हैं वहाँ पे क्या होता है चार्ट पेपर बनाने के लिए या फिर प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे देते हैं। एंड हमें भी पता है कि आधे से ज्यादा सिनेरियो में जो ये प्रोजेक्ट्स हैं ये बच्चों के पेरेंट्स बनाते हैं एंड उसी के बेसिस पे जो टीचर्स हैं वो नंबर भी देते हैं। मुझे आज भी याद है कि जब मैं 4th standard में थी तो हम लोगों को चार्ट पेपर बनाने के लिए कहा गया। मैंने चार्ट पेपर बनाया था एंड जब मैं उसको लेके गई तो मेरी टीचर ने मुझसे कहा था कि तुमने इस चार्ट पेपर को अपनी बहन से क्यों नहीं बनवाया, वो ज्यादा अच्छा बना देती। आज जब मैं ये बात सोचती हूँ ना तो मुझे लगता है कि कितना गलत था ये, क्योंकि एक बच्चा अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से चीजें बनाता है। हो सकता है वो अप टू द मार्क ना हो, वो उतना अच्छा ना हो, लेकिन स्टिल उसने मेहनत की। तो हमें देखना चाहिए कि अगर हम प्रैक्टिकल जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट दें जो हर क्लास के बच्चे के उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से हो। एंड मैक्सिमम केसेस में तो टीचर्स को भी पता होता है कि जो ये बच्चा लेकर आया है ये उसने खुद ने नहीं बनाया, उसके पेरेंट्स, बड़े भाई बहन या फिर बाकी किसी और रिश्तेदार ने बनाया है। तो क्लास वाइज प्रॉपर प्रैक्टिकल्स मिलने चाहिए जिसमें ये डिज़ाइन होना चाहिए कि इस स्टैंडर्ड के बच्चे को हम इस तरह के प्रैक्टिकल, इस तरह की सिचुएशंस, इस तरह के स्किल सेट जो है वो सिखा सकते हैं। एंड ऑल्सो जो लाइफ सेविंग स्किल सेट भी है वहाँ पर भी फोकस होना ज़रूरी है, क्योंकि उन सारी चीज़ों से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है एंड एक जो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है वो भी आता है। फिर जब बच्चा एक पर्टिकुलर क्लास में पहुँच जाए, जैसे 9th या 10th में पहुँच जाए, तो उससे पता होना चाहिए कि जो इंडस्ट्री है उसमें किस तरह के रूल्स हैं वो चलते हैं, क्या हम स्किल्स है वो सीख सकते हैं जो आगे आने वाले टाइम में डिमांड में होंगे। और ये जब चीज़ें बच्चे ऑलरेडी अवेयर होंगे तो उनके लिए ईजी हो जाएगा डिसीजन मेकिंग। सच कहूँ तो जो ये स्किल गैप की सिचुएशन है उसे अगर हमने आज एड्रेस नहीं किया तो आने वाले 10 to 15 ईयर्स में हम देखेंगे कि ये जो समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट की ये एक बहुत बड़ा रूप ले लेगी एंड उस टाइम पर इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जॉब की दुनिया तेजी से चेंज हो रही है, एक तरफ AI आ रहा है, बाकी के इनोवेशंस भी हो रहे हैं, तो उन सबको देखते हुए हमें जल्दी से जल्दी अपने आप को भी अपडेट करना होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि जो पॉइंट्स मैंने बोले वो सही है, या फिर आपको लगता है कि नहीं प्रॉब्लम ये नहीं है कुछ और है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जल्द ही अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।